असलम फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूं जन्नत आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं सेवन ऐसे लिपस्टिक्स के हैक्स जिसको यूज़ करके ना आप अपनी लिपस्टिक की जो गेम है ना वो बिल्कुल चेंज कर सकते हो और आप एक प्रोफेशनल बंदे की तरह जो है ना अपनी लिपस्टिक लगा सकते हो आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ वो हैक्स शेयर करने वाली हूँ जिनको यूज़ करके आप अपनी लिपस्टिक को जो है ना बहुत ही जबरदस्त कर सकते हो तो चलें अपने हैक्स शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके तो सबसे तो, पहले हैक जो है वो है मॉइस्चराइज योर लिप्स एंड स्क्रब योर लिप्स अगर आपके लिप्स ड्राई हैं या आपके लिप्स मॉइस्चराइज नहीं है तो आपकी जो लिपस्टिक है वो बिल्कुल भी आपके लिप्स पर अच्छी नहीं लगने वाली खासतौर पर जो लिक्विड लिपस्टिक्स होती है वो जब आप लिप्स पर लगा लेते हो विदाउट मॉइस्चराइज योर लिप्स तो उससे क्या होता है ना कि आपकी जो लिप्स लिपस्टिक है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो आपने क्या करना है आपने सबसे पहले जो है अपने लिप्स को करना है मॉइस्चराइज ठीक है लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने यहाँ पे पेट्रोलियम जेली ली है पेट्रोलियम जेली में क्रश की हुई शुगर भी ऐड कर सकते हो और आपने इस पेट्रोलियम जेली लगा के टूथब्रश की हेल्प से अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है इससे क्या होगा आपके लिप्स की जो डेड स्किन है वो भी उतर जाएगी लिप्स मॉइस्चराइज हो जाएंगे स्टेप uh, वन हमने कर लिया है ठीक है स्टेप टू क्या होगा आपके जो डार्क लिप्स है उसको आपने कैंसिल करना है ठीक है कोई भी लिपस्टिक कोई भी शेड आपने डायरेक्ट अपने लिप्स पे अप्लाई नहीं करना है जब भी आप डायरेक्ट अपने लिप्स पे कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करोगे ना तो लिप्स का कलर होता है मोस्टली लोगों का वो क्या होता है वो डार्क होता है ठीक है तो उसको कैंसिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ठीक है और उसकी कैंसिलेशन आपने कैसे करनी है आपने यूज़ करना है कोई भी कंसीलर यहाँ मैं मिस रोज का कंसीलर अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ आपने भी लिपस्टिक लगाने से पहले ऐसे ही कंसीलर अपने लिप्स पे अप्लाई कर लेना है उसको मर्ज कर लेना और है थर्ड नंबर पे जो आपका स्टेप है वो क्या है वो है आपने अप्लाई करनी है कोई भी लिप लाइनर ठीक है आपने कोई भी अच्छा सा जो है ना वो लिप लाइनर लेना है और उससे अपने लिप्स को जो है ना वो लाइन कर लेना है ठीक है आप यहाँ पे ब्राउन शेड भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप रेड शेड अगर यूज़ कर रहे हो तो मैं यहाँ पे ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ लिप लाइनर जो है या तो वो आपकी लिपस्टिक के मुताबिक होना चाहिए या फिर वो आपकी लिपस्टिक से डार्क होना चाहिए ठीक है तो वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अक्सर पार्लर्स में देखते हैं कि हम जो है वो लिपस्टिक बहुत परफेक्ट लगी होती है वो इसलिए लगी होती है क्योंकि उसमें वो लिप लाइनर यूज़ करते हैं विदाउट लिप लाइनर जो है ना वो आपकी लिपस्टिक जो है वो अच्छी नहीं लगती है तो हमें लिप लाइनर अप्लाई करना होता है यहाँ मैं रेड कलर का लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ उससे मैंने अपने लिप्स को लाइन कर लिया और इसके दरमियान में जो है वो मैंने लिक्विड रेड लिपस्टिक जो है वो अप्लाई कर ली है जो है अभी तक जो मैंने आपको हैक्स बताया है उसके मुताबिक मैंने लगाई और आप देख सकते हो कि मेरी लिपस्टिक कितनी अच्छी लग रही है और लिप भी मेरे मॉइस्चराइज लग रही है हालांकि मैंने यहाँ पे लिक्विड लिपस्टिक ही यूज़ किया है ठीक कि है वो शेयर करी और उसमें मैं आपके साथ शेयर करी आपने अपनी लिपस्टिक को ट्रांसफर प्रूफ कैसे करना है अगर आपकी लिपस्टिक जो है ना वो वाटर प्रूफ नहीं है ट्रांसफर प्रूफ नहीं है तो आपने कैसे करना है बहुत ही सिंपल है आपने लेना है एक टिश्यू पेपर और आपने इस तरह जो है ना वो लगा लेना है लूज पाउडर ठीक आपने इसको ऐसे अपने लिप्स पे रखना है और इस तरह जो है ना वो लूज पाउडर लिपस्टिक जो है ना वो ट्रांसफर प्रूफ हो चुकी है कि आप अपने लिप्स को फुलर कैसे दिखा सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने लिपस्टिक के जो लिप लाइनर है उसको आपने अपने लिप्स की जो है ना आउटर लाइन लाइन की तरफ थोड़ा सा बाहर करके लगाना है उससे क्या होगा कि आपके लिप्स अगर छोटे हैं तो वो थोड़े बड़े नजर आने लगेंगे और आप जो है ना इस तरीके से लिपस्टिक अप्लाई करके लिप लाइनर लगाने के बाद लिपस्टिक लगाने के बाद उसके बाद आप कोई भी जो है ना वो लिक्विड ग्लॉस जो है वो लगवाओ तो जो है वो अपने लिप्स पे लगा लोगे तो उससे क्या होगा ना कि आपकी लिप्स जो है ना एकदम से फुलर बिगड़ नजर आने शुरू हो जाएंगे और एक टिप ये भी है कि अगर आपके लिप्स छोटे हैं जैसे कि मेरे लिप्स छोटे हैं तो आपको हमेशा लाइट लिपस्टिक यूज़ करनी चाहिए अगर आप डार्क यूज़ करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है लेकिन अगर आप लाइट शेड्स पे जाते हो तो आपके लिप्स जो है ना वो बिगड़ नजर आते हैं और अगर आपके लिप्स बड़े हैं तो आप उस पर डार्क शेड भी लगा सकते हो लाइट शेड भी लगा सकते हो वो आपकी है हैक नंबर सिक्स ये है इजिली रिमूव योर ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक ठीक है अब आपने अपनी लिपस्टिक को कैसे रिमूव करना है अगर आपको ऑयल लेना है कोकोनट ऑयल को टिश्यू पेपर पे या कॉटन पे लगा के अपनी लिपस्टिक को रिमूव कर लेना है लिप्स मॉइस्चराइज हो जाएंगे और दूसरा ये कि आपकी ये लिपस्टिक जो है ना बहुत ईजी से रिमूव हो जाएगी यहाँ मैंने ये डार्क शेड ले लिया और यहाँ मैंने ये लाइट सा शेड ले लिया ठीक है अब इसका हमारे इफेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ ये देख लिया ये दो शेड्स लिए हैं मैंने आपने क्या करना है आपने लिप लाइन करके उसके बाद इसको अप्लाई करना है लेकिन मैं ऐसे ही कर रही हूँ ठीक है तो शेड है बिल्कुल लाइट सा है लाइट शेड जो है वो लिप्स के अंदर लगाया है उसको ऊपर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में आपने अच्छे से जो है ना वो ब्लैंड कर लेना है वो ओमरे इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ सेवन हैक्स लिपस्टिक के जो आपको आई होप अच्छे लगे हो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मुझे कमेंट सेक्शन में आगे बताएं मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अला